then pq into pr is constant so proof easy is ले easy let p x1 y1 z1 be any point this is any point on the line and let lmn be the direction ratios of this line direction cosines are the direction cosines then equation of this code qr can be written as x minus x1 plus y minus y is equal to y minus y1 is equal to z minus z1 over lmn. अब आपको पता जब आप इसको इज इक्वल टू आर से करते हो तो दिस इज द एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ये कैसे आया x की वैल्यू आ जाएगी x1 वन प्लस एल आर वाई की आ जाएगी y1 वन प्लस एम आर जेड की आ जाएगी z1 वन प्लस एन आर सो दिस गिव्स यू एनी पॉइंट ऑन द लाइन अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि ये जो हम इज इक्वल टू आर लेते हैं ना

सो so, आपको पता है यहाँ से क्वाड्रिटी नार आपके ऐसी इक्वेशन बन जाएगी एंड यू विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ आर सपोज करो आर की एक वैल्यू आई है अल्फ़ा और एक वैल्यू आई है बीटा सो वट आई एम सींग इज़ कि जब आपने इस पॉइंट में आर को अल्फ़ा पुट किया तो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए देन दिस अल्फ़ा ऑल्सो गिव्स द डिस्टेंस पी क्यू सिमिलरली आर को बीटा पुट करने से आपको आर के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं दैट मींस पी आर इज़ इक्वल टू बीटा तो ये आर की जो भी वैल्यू होती है दैट वैल्यू आल्सो गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट पी पी पॉइंट क्या था एक्स वन वाई वन जेड वन जिसको यूज़ करके हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड किया सो इज इक्वल टू आर से देखो अगर आर की वैल्यू ज़ीरो होती अगर आर की वैल्यू को आप ज़ीरो ले लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन इज ईक्ल टू जीरो और, और यू विल गेट एक्स इज ईक्ल टू एक्स तो वन सो एक्स इज ईक्ल टू एक्स तो वन का मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको क्योंकि पी से पी का डिस्टेंस जीरो है अगर पी इन क्यू से वन यूनिट्स के डिस्टेंस पे है तो आर को वन पुट करने से यहाँ पे आर को वन पुट करने से आपको जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू सिमिलरली सपोज करो पी आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो टू है तो यहाँ पे आर को टू पुट करने से आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द कॉर्डिनेट्स ऑफ आर सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो दैट जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन करते निकाल लिखते हैं इज इक्वल टू आर लिखते हैं तो दैट आर ऑल्सो गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो भी हमने फाइंड किया है फ्राम पी P कौन सा पॉइंट है जिसको यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड किया सो so, इस क्वेश्चन में अब देखो क्या किया दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इफ इट लाइज ऑन द फेयर तो इसमें पुट कर दिया इस फेयर की क्वेश्चन में पुट करने से आपको क्वाड्रेटिक किनार इक्वेशन मिल गई है सो so, ये क्वाड्रेटिक किनार इक्वेशन मिल गई है नाउ दिस इज़ अ क्वाडिटी किनार हुज रूट्स आर पी क्यू एंड पी आर तो वो क्यों है क्योंकि जब हमने पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है यानी कि आर की जो दो वैल्यूज़ आएंगी उसमें से एक वैल्यू विल टेल अस द डिस्टेंस पी क्यू एंड दूसरी वैल्यू विल टेल अस द डिस्टेंस पी आर आर की जो वैल्यूज़ आर वन और आर टू रूट्स आने हैं तो मैंने यही बताया ना आपको कि आर की जो दो वैल्यूज़ आती हैं आर वन वैल्यू के लिए वी विल गेट the coordinates of q that means distance p q is r 1 and r 2 we will get coordinates of capital r so that means p r is equal to distance p r is equal to r 2 so hai, this is quadratic in r whose roots are p q and p r सो so, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस पॉइंट समझने वाला है आर्टिकल एस इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है सो so, यहाँ से क्योंकि पी क्यू एंड पी आर आर द रूट्स सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है कॉन्सटेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशेंट ऑफ आर स्क्वायर सो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो अगर आप देखो ये कॉन्सटेंट है एक्स वन बाय वन जेड वन पॉइंट भी हमें गिवन है और यू वी डब्ल्यू डी हमें स्वेर की इक्वेशन से भी गिवन है तो पी क्यू इन पी आर इज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल एम एंड यहीं से इन्होंने फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाली है देखो ये रिजल्ट भी आपने छोटी क्लासेज में किया है पी टी स्क्वायेयर इज इक्वल टू पी क्यू इन पी आर सो पी टी स्क्वायेयर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर ये पी क्यू एंड पी आर निकाला था आपने तो यहाँ से पी टी आ गया सो दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू दिस सो पी टी क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट सो ये देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है सर्कल में हम करके आए हैं दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय अंडर वन सो सेम इज़ द रिजल्ट फॉर स्फीयर और आपको पता है इसको एस वन को हम बोलते हैं पावर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर जब हम अकेला एस वन निकालते हैं दिस एस वन इज नोन एज पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर और जब इसका अंडर रूट लेते हैं सो इट गिव्स अस द डिस्टेंस सॉरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी सो ये सारा आप करोलरी है देन आर्टिकल ट्वेंटी वन है नोट है ये सब एक बार आपने अपने लिए रीडिंग दे देनी दे है नया इसमें कुछ भी नहीं है जो हम सर्कल के लिए पढ़ के आए थे वही सारा कुछ दोबारा यहाँ रिपीट हुआ है स्फीयर के लिए नेक्स्ट इज आर्टिकल ट्वेंटी टू रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स सो इट इज़ ऑल्सो सेम जैसे कि सर्कल्स के केस में हमने देखा था हमारे पास रेडिकल एक्सिस आता था अब स्फेयर्स के केस में क्या होगा इफ दिस इज़ वन स्फीयर दिस इज अनदर स्फीयर सो यहाँ पे प्लेन होगा हमारा सच दैट लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द टू स्फीयर्स आर इक्वल एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड द रेडिकल प्लेन ऑफ द स्फीयर्स सो क्या कह रहे हैं वो कि अगर हम इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके इन स्फीयर्स के ऊपर टेंडेंस ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स विल बी सेम ये बोल रहे हैं ना दैट हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू स्फेयर सो पावर विद रिस्पेक्ट टू द स्फेयर को हम एस वन से अंडर रूट सॉरी एस वन से डिनोट करते हैं सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल प्लेन टू द टू स्फियर्स विल बी इक्वल सो जैसे आप सर्कल के केस में रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालते थे एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करके यहाँ पे आपको एस वन माइनस एस टू इक्वल टू ज़ीरो करने से रेडिकल प्लेन की इक्वेशन मिलेगी सो अगेन ये सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं पहले आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जस्ट गिव इट अ रीडिंग देन कर ऑलरेडी प्रूव दैट रेडिकल प्लेन ऑफ टू फेयर इज़ प्रपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देअर सेंटर्स तो ये भी आपको पता है जब हम टू स्फेयर्स बना रहे हैं और ये रेडिकल प्लेन है दैन दिस रेडिकल प्लेन इज प्रपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फेयर्स फॉर ऑलरेडी टू रेडिकल प्लेन ऑफ टू फेयर पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है सो so, ये हमने नॉन इंटरसेक्टिंग स्पेयर्स लिए थे अगर हमारे इंटरसेक्टिंग स्फेयर्स होते थे तो ये जो कॉमन कोड होती थी यही आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाता था अब यहाँ पे आपके पास जो प्लेन आएगा प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फर्स आएगा दैट विल बी पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन so radical plane of two spheres passes through their points of intersection so again give it a reading one or 2 ek by reading the linear then the points of intersection of the spheres 1 and 2 lie on the radical plane now they are saying इफ़ टू फेयर्स टच इच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली देन देयर रेडिकल प्लेन इज देअर कॉमन टेंजेंट प्लेन सो ये भी हमें पता है अगर दो फेयर्स इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडिकल प्लेन इज नथिंग बट देयर कॉमन टेंजेंट प्लेन जैसे कि सेम सर्कल्स के केस में होता था अगर दो सर्कल्स सिर्फ टच करते हैं तो ये उनकी कॉमन टेंजेंट आती हैं और ये ही उनकी रेडिकल एक्सेस बन जाती थी तो सेम अब अगर टू फेयर्स टच कर रहे हैं तो जो रेडिकल प्लेन होगा दैट विल भी नथिंग बट द कॉमन इंडियन प्लेन ऑफ द टू स्फियर्स नाउ टू स्वीयर्स हैव रेडिकल प्लेन एंड इफ कम्स इन टू प्ले दिस इज वन स्फियर दिस इज सेकेंड स्फियर एंड से दिस इज द थर्ड स्फियर सो इन दोनों का रेडिकल प्लेन यहां पर होगा इन दोनों का रेडिकल प्लेन यहां होगा और इन दोनों स्फियर्स का रेडिकल प्लेन यहां होगा सो so, आपको पता टू स्फियर्स इंटरसेक्ट इन अम हेयर वी गेट रेडिकल एक्सेस ऑफ थ्री स्फियर्स सो टू स्फीयर्स के लिए रेडिकल प्लेन होता है एंड थ्री स्फीयर्स के लिए हमारे पास आ जाता है रेडिकल एक्सेस और ये रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन फिर आती कैसे है देखो रेडिकल प्लेन आप कैसे निकाल रहे हो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करके निकाल रहे हो एस टू माइनस एस थ्री एंड एस थ्री माइनस एस वन सो इन तीनों की इंटरसेक्शन जिस लाइन पे होगी ऑल दीज रेडिकल प्लेन्स पासिस थ्रू द लाइन एस वन इज इक्वल टू एस टू एस टू इज इक्वल टू एस थ्री एंड एस वन इज इक्वल टू एस थ्री सो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ द रेडिकल लाइन और रेडिकल एक्सेस सो अब ये रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन निकालनी कैसे है ये अभी हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा उसके बाद नेक्स्ट आता है रेडिकल सेंटर सो so, अब अगर आपके पास फोर स्फीयर्स हैं सो फोर स्फीयर से हमारे पास बनता है रेडिकल सेंटर

थ्रू विच पास रेडिकल प्लेन्स ऑफ फोर स्फेयर्स टेकन टू बाई टू सो एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल आई फाइंड द पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर सो पावर ऑफ पॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं हम एस वन करके सो so, ये था इसमें हम ये जब पॉइंट टू माइनस फोर इस फेयर की क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो वी विल गेट एस वन एंड दैट विल गिव यू द पावर ऑफ द पॉइंट जो कि इलेवन आ गया आपको पता है ये भी अगर Power of point positive the point lies outside the sphere, other power of point negative the point lies inside the sphere, and if power of point is 0, that means the point lies on the sphere. Next is example 2. Show that locus of a point from which equal tangents may be drawn to the spheres. इज़ द स्ट्रेट लाइन सो वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट फ्राम विच इक्वल्ट इंजेंस में भी ड्रॉन तो हमें पता है लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्राम विच इक्ल्ट एंजन्स इज ड्रॉन इज रेडिकल प्लेन बट यहाँ पर क्योंकि तीन फीयर्स हैं तो रेडिकल एक्सेज आ जाएगा सो वी हैव टू फाइंड रेड बेसिकली रेडिकल एक्सेज ऑफ दिस दिस फीयर्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज दिस इज द रेडिकल एक्सेज सो कैसे करेंगे हम सबसे पहले आपको पता है एस वन माइनस एस टू करोगे आप इक्वल टू जीरो और एस टू माइनस एस थ्री इक्वल टू जीरो करोगे सो so, ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो आप एस वन माइनस एस टू ज़ीरो और एस टू माइनस एस थ्री जीरो करके करना है तो वो भी कर सकते हो दोनों तरीके से होगा क्या आपके पास दो प्लेन्स की इक्वेशन आ जाएंगी सो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू ज़ीरो करने से यू विल गेट एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो एंड एस टू माइनस एस थ्री करने से यू विल गेट एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो नाउ ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड द लाइन ठीक है इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है हमने सो so, अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब आपको गेन पता है आपको एक तो डायरेक्शन रेशोज चाहिए और दूसरा हमें एनी पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए सो so, डायरेक्शन रेशोज देखो कैसे निकालते हैं वी कंसिडर टू फाइंड द समेट्रिकल फॉर्म सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब ओमिटिंग द कॉन्स्टेंट टर्म सो so, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में से जब आप कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर दोगे इसमें तो है ही नहीं कांस्टेंट टर्म इसमें प्लस वन है उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास ये दोनों ही बन जाएंगी अब आप इनको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मैथड से सो एक्स ओवर आपको पता है वाई इंटू जेड का वाई का कोफिशियंट इंटू जेड का कोफिशियंट माइनस वाई इंटू जेड का कोफिशियंट सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग एक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई फाइव इज इक्वल टू जेड बाई थ्री सो ये जो टू फाइव थ्री आए हैं आपके पास ये क्या आया है कि जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे थे सो so, इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उनके डायरेक्शन रेशोस टू फाइव थ्री हमें मिल गए अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एनी पॉइंट ऑन द लाइन भी चाहिए सो so, एनी पॉइंट ऑन द लाइन देखो कैसे होगा जो भी आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन लोगे वो पॉइंट्स प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे पक्का सो so, हम क्या करेंगे ये जो हमें लाइन प्रूव करनी थी देखो बेसिकली हमारे पास y x y z में तीन वेरिएबल्स हैं और दो कांस्टेंट दो इक्वेशंस हैं। तो हम नहीं सॉल्व कर सकते ना इसको तो हम क्या करेंगे x की या y की या z की कोई भी एक वैल्यू अपने आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो वैल्यू हम कहां से लेंगे जो हमने प्रूव करना है उसमें से तो जैसे हमें दिख रहा है x 1 है सो so, मैं क्या करूँगी इन दोनों में एक्स को वन पुट कर दूँगी जब आप इन दोनों ही में एक्स को वन पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन एंड नीचे से आ जाएगा माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड इज इक्ल टू ज़ीरो सो ये वाई जेड में दो ही बन गई अब आप, आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व करके देख लेना यू विल बी गेटिंग वाई इज़ इक्वल टू टू एंड जेड इज़ इक्वल टू वन सो so, इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या आ गया वन हमने खुद लिया था वाई की वैल्यू आ गई टू और जेड की वैल्यू भी आ गई वन सो फाइनली हमारे पास पॉइंट भी आ गया और डायरेक्शन रेशोज़ भी आ गए सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी एक्स माइनस वन वाई माइनस टू एंड जेड माइनस वन और नीचे डायरेक्शन रेशोज़ हैं टू फाइव थ्री सो वही किया इन्होंने जब डायरेक्शन रेशोज़ निकाल लिए थे डायरेक्शन नंबर्स आ गए देन पुटिंग जेड इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव सो इन्होंने जेड को वन पुट किया मैंने एक्स को वन पुट किया था और वाई जेड की वैल्यू निकाली थी इन्होंने you know, एक्स को जेड को वन पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया सो देयर फोर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस दिस इज द रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सेस नाउ एग्जाम्पल थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ द फेयर्स एंड शो दैट द गिवन स्फेयर इंटरसेक्ट इन अ सर्कल सो एग्जाम्पल थ्री में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ द फेयर सो रेडिकल प्लेन ऑफ द फेयर की इक्वेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करके बट उसके लिए एक्स कोर वाइस्र और जेड स्क्यर का कोफिशियट वन होना चाहिए सो so, ये एक इक्वेशन ऑफ फेयर थी इसको टू से डिवाइड करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्फेयर आ गई सब्ट्रैक्ट करके दिस इज द रिक्वायर्ड रेडिकल प्लेन अब हमने शो करना है दैट द दीज टू स्फेयर्स आर इंटरसेक्टिंग स्फेयर सो क्या करो आप कोई भी एक स्फेयर लेके जैसे सपोज करो ये वाला स्वेयर ले लिया मैंने इसके सेंटर क्या आ रहे हैं वन ज़ीरो एंड माइनस थ्री सो इसके सेंटर से इस प्लेन का प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सो so, प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखो फोर इंटू वन इज़ फोर ये निकाला हुआ इन्होंने वन ज़ीरो माइनस थ्री से इस प्लेन का प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस सो so, आंसर आ रहा है फोर्टी सेवन बाय थर्टीन एंड मोर ओवर ये जो हमारे पास स्वेयर था इसका रेडियस क्या आ रहा है इसका ये निकाला हुआ इन्होंने रेडियस रेडियस आ रहा है फोर सो क्लियरली प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ लेस देन द रेडियस तो जब आपका प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इज लेस देन द रेडियस होता है दैट मीन्स द प्लेन इज इंटरसेक्टिंग द स्फेयर और ये प्लेन मिला कैसे था क्योंकि ये रेडिकल प्लेन है सो दैट मीन्स द टू स्फेयर्स आर इंटरसेक्टिंग सो प्लेन थ्री मीट्स द स्फेयर नंबर वन इन अ सर्कल therefore spheres वन एंड टू intersect in a सर्कल सो प्लेन क्योंकि हमें पता है प्लेन और फेयर की इंटरसेक्शन से हमेशा हमें सर्कल मिलता है नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल नंबर फोर फाइंड द रेडिकल एक्सेस ऑफ द स्वेयर्स सो अब ये मैं नहीं कर रही हूँ ये एग्जाम्पल नंबर टू जो हमने अभी डिस्कस किया है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर टू की तरह है ये आपको स्फेयर्स की इक्वेशन दी है एस वन माइनस एस टू एस टू माइनस एस थ्री करके आपको दो प्लेन की इक्वेशन मिल गई फिर आप क्या करोगे उनमें से कॉन्स्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे एंड देन पॉइंट के लिए क्योंकि इसमें आप कुछ भी गिवन नहीं है एग्जाम्पल नंबर फोर में उसने सिंपल बोला फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द स्वेयर तो हम मोस्टली क्या करते हैं ऐसे केसेस में जेड को जीरो पुट कर लेते होते हैं सो so, जब आप जेड को ज़ीरो पुट कर दोगे क्वेश्चन नंबर फोर और नंबर फाइव में तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा सो वंस यू नो द पॉइंट ऑन द लाइन एज वेल एज यू नो द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन सो यू कैन ईजिल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सेसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल ट्वेंटी सेवन पे आते हैं फैमिली ऑफ फेयर्स सो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स भी किया था अब आता है फैमिली ऑफ फेयर्स अस्टम ऑफ फियर्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ फेयर्स सो so, जैसे कि इन्होंने कंसीडर किया है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस कामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सो इट गिव्स अस अ फैमिली ऑफ स्फेयर सच दैट रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज थ्री तो सेंटर्स अल्फा बीटा गामा अलग अलग हो सकते हैं बट जो स्फीयर का रेडियस है वो हमेशा ही थ्री है सेकेंड कंसिडर किया है इन्होंने अगेन कंसीडर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू आर सो इट गिव्स अस अ फैमिली ऑफ स्फीयर्स विथ सेंटर वन टू फाइव एंड रेडियस आर सो रेडियस वेरी करेगा बट सेंटर इज़ सेम जिनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं सो so, इसके बाद हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टू स्फियर्स इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म तो ये भी हमने आर्टिकल किया हुआ है सर्कल्स के लिए सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे पुट कर सकते हैं फैमिली इक्वेशन ऑफ टू स्फेयर्स को So they are saying prove that the equation of any two spheres can be put in the form x square plus y square plus z square plus two u one x plus d equal to zero and two u two x plus d equal to zero. So we know that radical plane of two spheres is perpendicular to the line joining their centers.

पर क्योंकि इनके सेंटर्स हमने एक्स एक्सेस पे लिए हैं तो वी वन डब्ल्यू वन भी जीरो हो जाएगा और वी टू डब्ल्यू टू भी जीरो हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन नंबर वन और टू हैं ये थ्री और फोर बन जाएंगी आप क्या करेंगे इनका रेडिकल प्लेन निकालेंगे एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करके सो एस वन माइनस एस टू करने से ये आ गया बट हमने क्योंकि रेडिकल प्लेन जो है वो आ, वाई जेड प्लेन लिया है सो so, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है एक्सेज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू जीरो कब आएगा इफ डी वन माइनस डी टू इज इक्वल टू जीरो बट यू वन माइनस यू टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो यू वन कैन नॉट बी इक्वल टू यू टू बट डी वन इज इक्वल टू डी टू सो जब आप इक्वेशन नंबर थ्री और फोर में डी वन इक्वल टू डी टू कर दोगे सो इक्वल टू डी से सो इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर विल रिड्यूज टू दीज टू इक्वेशन एंड वी कैन से दैट द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज गिवन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स प्लस टू लैमडा एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो लिखते थे हम वे डी इज कॉन्स्टेंट एंड लैमडा इज द पैरामीटर सो आगे आर्टिकल ट्वेंटी एट है तो ये आपको पता अगर एस और एस टैश आपके पास दो फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैं सो सॉरी तो तो एस और एस टैश अगर आपके पास एनी टू स्फियर्स हैं बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली

ये हम कर चुके हैं ठीक है इसको पढ़ लेना अब आप देन आर्टिकल थर्टी टू दैट मेंबर ऑफ को एक्सल सिस्टम ऑफ स्पीयर्स इंटरसेक्ट वन एंड अदर टच वन एंड अदर और डू नॉट इंटरसेक्ट अकॉर्डिंगली एज डी इज़ नेगेटिव ज़ीरो और पॉजिटिव सो ये भी हमने किया था सर्कल्स के केस में सो so, वही वाला आर्टिकल रिपीट हुआ है जस्ट गिव इट अ रीडिंग आर्टिकल थर्टी टू को भी आपने जस्ट रीड करना है तो इसका आर्टिकल थर्टी टू का फाइनल uh, कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास d नेगेटिव है ये जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन पुट की होती है इधर d कांस्टेंट होता है और u पैरामीटर सो so, अगर d नेगेटिव आता है देन द टू स्फीयर्स विल बी इंटरसेक्टिंग वन एन अदर अगर जीरो आती है d की वैल्यू देन द टू सर्कल्स विल बी टचिंग वन एन अदर एंड इफ d इज़ पॉजिटिव देन टू द टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल

सो फैमिली ऑफ फेयर्स इज गिवन बाई एस प्लस लैमडा टाइम्स एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो सो वहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल के रेडियस को जीरो पुट करने से लैमडा की वैल्यू मिलती थी हमें एंड व लैमडा को जब हम सेंटर्स में पुट करते थे तो वी गेट द रिक्वायर्ड लिमिटिंग पॉइंट्स सो पहले एग्जाम्पल नंबर टू ही पढ़ लेते हैं एक बार फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्ल सिस्टम डिफाइंड बाय द फेयर्स सो आपको क्लियरली दो फेयर्स की इक्वेशन गिवन है एस और एस डैश हमने क्या किया सब्ट्रैक्टिंग वन टू मतलब एस माइनस एस टेस्ट करके रेडिकल प्लेन मिल गया अब हम करेंगे एस प्लस के टाइम्स एल इक्वल टू ज़ीरो सो ये हमने एक्सवाय टर्म्स को कलेक्ट कर लिया सो इस ये जो स्फीयर बन रहा है इसका हम ये वाले स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे ये निकाल लिया इट्स सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज़ दिस देन फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स पुट रेडियस इज इक्वल टू जीरो सो रेडियस को जीरो पुट करने से के की वैल्यू मिल गई है प्लस माइनस वन सो so, एक बार के को वन पुट करेंगे नंबर थ्री में एक बार माइनस वन पुट करेंगे सो माइनस टू वन माइनस वन एंड माइनस वन टू वन गिवज एस द रिक्वायर्ड लिमिटिंग पॉइंट्स फर्स्ट एग्जांपल क्या है शो दैट द स्फीयर्स आर को एक्सियल सो को एक्जियल तो शो करना बहुत ही ईजी है तीन स्फीयर्स की क्वेश्चन तो आपको गिवन है आप एक बार एस वन माइनस एस टू फाइंड कर लो और एक बार एस टू माइनस एस थ्री फाइंड कर लो तो जो रेडिकल प्लेन की इक्वेशंस हैं दोनों से वो सेम आनी चाहिए सो so, ये देखो सबट्रैक्टिंग टू फ्राम वन किया नंबर फोर मिल गया थ्री फ्राम टू किया नंबर फाइव मिल गया सो एंड फर्दर थ्री फ्राम वन करके सिक्स मिल गया तो इक्वेशन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स सेम है इट इज़ क्लियर दैट रेडिकल प्लेन ऑफ फीयर्स वन टू थ्री टेकन टू बाई टू इज सेम देर फोर द स्वीयर्स आर फो सो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया एंडस् फर वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया सो आई विल बी सेंडिंग यू द एक्सरसाइजिज एक्सरसाइजिज कंप्लीट करके कंप्लीट दिस चैप्टर सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द कोन